आदित्यनाथ योगी। योगी के लौटते ही अपराधियों में दहशत। वो गुनहगार है या बेगुनाह, लेकिन कई घटनाएं यूपी में हो गई। आपने देखा चित्रकूट में जेल के अंदर ही 3 बंदी मारे गए। क्यों डरा डरा सा है मुख्तार अंसारी? मध्य प्रदेश में विकास दुबे ने सिलेंडर किया या पकड़ा गया, वहां की पुलिस ने हैंडओवर किया, ये लेके आ रहे हैं, रास्ते में गाड़ी पलट के उसकी हत्या। मुख्तार को क्यों याद आया विकास दुबे? मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में एक दिन पहले किसी मामले की पेशी के लिए बुलाना, जेल में रखना और जेल में ही उनकी हत्या होना। मुख्तार को बांदा जेल से लखनऊ लाया जा रहा था। इस तरीके से कानून का दुरुपयोग करने से लोकतंत्र के साथ साथ अराजकता का माहौल भी पैदा होता है। गाड़ी खराब हुई, बढ़ गई मुख्तार की धड़कन। मुख्तार अंसारी सहित 13 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। मुख्तार के परिवार को एनकाउंटर का डर। जो जुडिशियल कस्टडी में है, जेल में है, 4 गुना ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है, वो भी वो सरकार जो कानून व्यवस्था चाक चौबंद और दुरुस्त होने का दावा करती है। मुख्तार अंसारी को गाड़ी पलटने का डर। आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। तो अभी तक आपने जो ट्रेलर देखा उससे आप समझ चुके होंगे मुख्तार अंसारी आज किस तरह की दहशत में रहे होंगे। दरअसल आज मुख्तार अंसारी और उनके परिवार को बिकारो गांव का गैंगस्टर विकास दुबे जरूर याद आ गया। बांदा जेल से चली एम्बुलेंस के साथ में पुलिस का एक वज्र वाहन रास्ते में खराब हो गया और ये सूचना जैसे ही मुख्तार अंसारी के परिवार को मिली उनके दिलों की धड़कनें बढ़ गई। मुख्तार के भाई अफजल अंसारी, विकास दुबे और मुन्ना बजरंगी के हश्र को याद करते हुए दहशत में आ गए। क्या है ये पूरी कहानी इस धाकड़ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बांदा से लखनऊ चले सूरज वाहन में रास्ते में खराबी आ गई, गाड़ी बंद हुई और बाहुबली मुख्तार अंसारी की धड़कनें बढ़ गईं। मुख्तार अंसारी दहशत में आ गया, डर जान का था, डर एनकाउंटर का था। आपने देखा चित्रकूट में जेल के अंदर ही 3 बंदी मारे गए और कहा गया ये बंदी आपस में गोली चला के मर गए। दूसरी घटना आपने जो नाम लिया बिकरू कांड की, मध्य प्रदेश में विकास दुबे ने सिलेंडर किया या पकड़ा गया, वहां की पुलिस ने हैंडओवर किया, ये लेके आ रहे हैं, रास्ते में गाड़ी पलट के उसकी हत्या। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल से तड़के मुख्तार अंसारी को लेकर एक गाड़ी लखनऊ की तरफ रवाना हुई। लखनऊ में मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश किया जाना था। चर्चित एम्बुलेंस कांड में बाराबंकी पुलिस ने मुख्तार अंसारी पर एक और मामला दर्ज किया। बाराबंकी जिले की नगर कोतवाली में पहले से ही मुख्तार अंसारी पर कई मामले चल रहे हैं। नया मुकदमा एक और गैंगस्टर एक्ट का है। मुख्तार अंसारी सहित 13 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। जैसा कि पूर्व में ज्ञात है कि चर्चित एम्बुलेंस प्रकरण में इन्हीं अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली में ही आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। आज इस पूरे प्रकरण में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है। मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश के 52 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 15 ट्रायल स्टेज पर हैं। आज एक जमीन के मामले में मुख्तार अंसारी की पेशी थी। उनके विरुद्ध तमाम तरह के आरोप जो लगे हैं उनके ट्रायल होते रहे हैं। अब तक जितने भी ट्रायल हुए सभी केसेस में वो
उन्हें क्लीन चिट मिली, वो निर्दोष पाए गए, आरोप बेबुनियाद पाए गए, उन्हें बरी किया गया। अब लखनऊ एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में भी दो मामले जहां तक मुझे मालूम है उनके विरुद्ध हैं। बादा जेल के बाहर आज तड़के काफी हलचल देखी गई। मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ के लिए रवाना किया गया। जब रास्ते में तिंदवारी के पास वज्र वाहन खराब हुआ तो एक अनजान डर से अंसारी के बेटे के होश उड़ गए। अब्बास अंसारी ने गाड़ी खराब होने को साजिश बता दिया। पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी साहब की सुरक्षा में बड़ी चूक का जिम्मेदार कौन? गाड़ी का खराब होना साजिश का हिस्सा तो नहीं? मुख्तार के परिवार का डर बेबुनियाद नहीं है। 10 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश से लखनऊ लाने के दौरान कुख्यात अपराधी विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था। मुख्तार अंसारी के परिवार को इसी बात का डर है कि मुख्तार अंसारी का कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। जो जुडिशियल कस्टडी में है, जेल में है, चार गुना ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है, वो भी वो सरकार जो कानून व्यवस्था चाक चौबंद और दुरुस्त होने का दावा करती है, वो सरकार जिसके मुखिया अपने विरुद्ध लगे गए आरोपों का ट्रायल कोर्ट में नहीं चाहते लेकिन दूसरों के मामलों का, उनके विपक्षियों के मामले का मामला भी कोर्ट में ट्रायल न हो। मुख्तार अंसारी का परिवार उत्तर प्रदेश सरकार को राजधर्म का हवाला दे रहा है। विचाराधीन कैदियों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, इसका पाठ पढ़ा रहा है। आप खड़यंत्र करेंगे कि रास्ते में लाते वक्त, ले जाते वक्त, कुछ खाना खिलाते वक्त, न खिलाते वक्त, बीमार हालत में वो चलने लायक है न चलने लायक है, जुडिशियल कस्टडी है, यह हमारा न्यायालय देखेगा। योगी 2.0 की सरकार का गठन हो चुका है। योगी का संकल्प सूबे में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है। अपने इसी संकल्प के लिए योगी ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया और यही वजह है कि यूपी के अपराधियों में एक डर बैठ गया है। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है, जहां पर चुनावों के नतीजे आने के बाद में आज लखनऊ में विधानसभा चुनावों के बाद में पहली बार दोनों ही पक्ष यानी कि सरकार और विपक्ष आमने सामने थे। दरअसल मौका था सदन में मौजूदगी का, जहां पर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे और सदन में दोनों की मुलाकात भी हुई। दृश्य बेहद ही शानदार था, वो तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए। से हाथ मिलाया, आदित्यनाथ योगी ने अखिलेश यादव की पीठ थपथपाई। यूं तो पीठ थपथपाने का मतलब हिम्मत बढ़ाना होता है, लेकिन योगी ने अखिलेश की पीठ पर थपकी दी और आगे निकल गए। नाम पुकारा जा चुका था, शपथ की बारी अखिलेश यादव की थी। अखिलेश यादव सदन में मौजूद विधायकों का अभिवादन करते हुए प्रोटेम स्पीकर की तरफ शपथ के लिए बढ़ रहे थे। जब अखिलेश यादव विधायकों का अभिवादन कर रहे थे तब तक आदित्यनाथ योगी अपने स्थान पर बैठ चुके थे। आदित्यनाथ योगी से पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सीट पर अखिलेश यादव पहुंचे, उनसे हाथ मिलाया। आदित्यनाथ योगी के साथ सूर्य प्रताप शाही बैठे थे। जैसे ही अखिलेश यादव आदित्यनाथ योगी की सीट के करीब पहुंचे, पहले सूर्य प्रताप शाही उठकर खड़े हुए और फिर
आदित्यनाथ योगी ने भी खड़े होकर अखिलेश यादव का अभिवादन किया। ये आज आदित्यनाथ योगी और अखिलेश यादव की दूसरी मुलाकात थी। अखिलेश यादव प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री के पास पहुंचे और अपनी शपथ ली। मैं अखिलेश यादव, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश की ही है, जहां पर एक मुस्लिम लड़के की पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद में खुशी में इस मुस्लिम लड़के ने लोगों को मिठाइयां बांटी, लेकिन लोगों को इतनी ज्यादा नागवार ये बात गुजरी कि उसके बदले में उस शख्स को मौत मिली। यूपी के कुशीनगर से आई ये तस्वीर आज देश को ठीक से देखनी होगी, क्योंकि इसी के बाद इस देश में सालों से चले आ रहे कथित सेक्युलरिज्म नाम का जाला साफ होगा। देश को ये तस्वीर ठीक से देखनी होगी, क्योंकि इसी के बाद आप ये जान पाएंगे कि इस देश में फर्जी सेक्युलरिज्म के नाम पर सियासी पार्टियां कैसे मुस्लिम वोटों के लिए आपस में बांटने और नफरत के बीज बोने का काम करती रही। देश को ये तस्वीर ठीक से देखनी होगी, क्योंकि इसी के बाद आप ये जान पाएंगे कि सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों को इस देश में हमेशा से ठगने का काम किया गया। क्योंकि मुसलमानों को लेकर इस देश का सच यही है, और अगर आपको इसके बाद भी यकीन ना हो रहा हो तो सुनिए कुशीनगर के उस बाबर का खौफनाक किस्सा, जिसे उसके अपने ही धर्म के लोगों ने बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला, लिंचिंग करके मौत के घाट उतार दिया। और बाबर की यह हत्या सिर्फ इसलिए क्योंकि बाबर बहुत खुश था यूपी में बीजेपी की जीत से, योगी आदित्यनाथ के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने से, और इसीलिए उसने अपने इलाके में मिठाई बांटी और बदले में उसे बेरहम मौत मिली। दिनांक 21/3/2022 को थाना रामपुला के अंतर्गत अभियोग संख्या 63/22 में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पीड़ित बाबर अली को गंभीर चोटें आई थी, जिसको लखनऊ रेफर किया गया था। दौरान इलाज उस व्यक्ति की मृत्यु 25/3/2022 को हो गई, जिस संदर्भ में अभियुक्तगण आरिफ व ताहिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों ही वादी और प्रतिवादी, दोनों ही पक्ष जो है एक ही समुदाय का है। पहले धमकी वो लोग दिए थे, धमकी देने के बाद से ईंट पथराव करने के बाद फिर जान से मारने की धमकी दिए, उसके बाद से लास्ट में 20 तारीख को इन लोगों ने मार ही दिया। ये जनाजा बाबर का है, ये मातम बाबर के परिवार वालों का है, ये दर्द बाबर के इस दुनिया से इस तरह चले जाने का है, ये दुख है जो अब ताउम्र घर वालों के साथ रहेगा। और बाबर की हत्या के बाद एक सवाल जहन में हर बार उठेगा कि बाबर का आखिर कसूर क्या था? क्या उसका कसूर ये था कि उसे बीजेपी के सबका साथ सबका विकास के नारे पर बहुत भरोसा था? क्या उसका ये कसूर था कि उसे योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से मुसलमानों के अच्छे दिन आने की उम्मीद थी? और क्या उसका कसूर ये था कि वो सियासतदानों की नफरती चालों में नहीं फंसा? देखिए, बहुत दुखद घटना है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं उस परिवार को ये बताना चाहता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस परिवार के साथ खड़े हैं, और वो परिवार पूरी तरीके से निश्चिंत है कि जो भी ये घटना हुई है, जो भी व्यक्ति इस घटना के पीछे है, जो भी व्यक्ति इस घटना में लिप्त है, उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कुशीनगर में बाबर की हत्या को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था का मसला बता रही है, जबकि पहली नजर में साफ है कि ये मामला नफरत का है, नफरत में लिंचिंग का है, बेरहमी से हत्या का है, और इस सच से ऐसी पार्टियां मुंह छिपाने का काम कर रही हैं, बाबर की हत्या में भी सियासी मौका तलाश रही है। नई सरकार को चाहिए कि घटनाओं पर कठोरता से कार्रवाई करे, चाहे वो घटना किसी की खुशी को मनाने को लेकर हत्या करने की बताई गई हो या किसी MLC के पर्चा छीनने की बताई गई हो। इन सारी घटनाओं पर कानून सम्मत और विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा ये माना जाएगा कि ये शासन के संरक्षण में हो रहा है।
मुसलमानों के नाम पर सालों से जारी सेकुलरिज्म का ये खेल कितना फर्जी है, अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए उन लोगों से सवाल जो इस देश में मुसलमानों पर अत्याचार के झूठे आरोप लगाकर अपनी दुकान चला रहे हैं। कभी 10, कभी 20, कभी 50 तो कभी 100 की संख्या में ऐसे कथित बुद्धिजीवी लोग बाहर आते हैं, ऐसी एक चिट्ठी लिखते हैं और मुसलमानों के उत्पीड़न के आरोप लगाते हैं। ये चिट्ठी भी उसी सोच की बानगी है जो हाल में लिखी गई, जिसमें पत्रकारों के एक वर्ग ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के आरोप लगाए। इसे लिखने वालों की लिस्ट में बड़े बड़े नाम शामिल हैं, एन राम, मृणाल पांडे, कमर वाहिद नकवी, आशुतोष और ऐसे ही करीब 50 प्रबुद्ध लोग जो मानते हैं कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं, जो इंटॉलरेंस की बात करते हैं। लेकिन यही लोग आज बाबर की हत्या पर चुप हैं। बाबर की लिंचिंग इन्हें अब तक दिखाई नहीं दी, बाबर की हत्या पर ऐसे वर्ग की ओर से एक बयान तक नहीं आया। आखिर क्यों ऐसे लोग बाबर की लिंचिंग को तालिबानी क्रूरता मानने से बच रहे हैं? आखिर बाबर की हत्या पर ऐसा वर्ग कैंडल मार्च क्यों नहीं निकालता? बाबर की हत्या पर एक चिट्ठी आखिर कब लिखी जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। आपको ये भी बताते चले कि बाबर की हत्या मामले में अभी तक 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। मामले की जांच शुरू की जा चुकी है। सरकार की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी हत्या को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है, ट्वीट करके संवेदना भी जताई है, गहनता से जांच करने के आदेश भी दे दिए हैं। बाकायदा मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख की सहायता राशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश भी जारी हुआ है। वही ये भी जान लीजिए, बाबर हत्याकांड में ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में रामकोला पुलिस थाने के इंचार्ज दुर्गेश सिंह का तबादला भी कर दिया गया है और सरकार भरोसा दिला रही है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और विपक्ष इसे कानून व्यवस्था का मसला बताकर योगी सरकार को जमकर घेरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद में कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। कुशीनगर में बाबर की जिस तरह से हत्या हुई, आखिर उसकी वजह क्या थी? आखिर उसका गुनाह क्या था? उसने बीजेपी की जीत की खुशी में मिठाई बांट दी तो कुछ लोगों को ये इतना ज्यादा नागवार गुजरा कि उसे इतनी बेरहमी से पीटा, उसके साथ में इस तरह का बर्ताव किया गया कि उसकी जान चली गई। पूरे मामले की जांच के आदेश दिया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ लगातार इस पर भी सियासत जमकर हो रही है और धाकड़ एक्सक्लूसिव में आइए बात करते हैं अपने देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की। सुनकर आप भी चौंक गए होंगे कि भारत में अपने ही देश में हिंदू अल्पसंख्यक कहला रहे हैं, लेकिन देश के 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं और उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक, ये टर्म इससे पहले आपने शायद ही सुना होगा। ऐसा इसलिए मुमकिन है क्योंकि आपको इस बारे में हो सकता है कि कोई ज्ञान न हो, क्योंकि भारत में हिंदुओं की आबादी 80% है और ऐसे में आपको यही लगता होगा कि फिर हिंदू यहाँ अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि ऐसा है, अपने ही देश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और एक दो नहीं बल्कि देश के 9 राज्यों में, जिन्हें अब अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने की मांग जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी मांग से जुड़ी एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ हम आगे बताएंगे। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई, इसका आधार अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय कैसे बना, पहले आप ये बातें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय से सुनिए। भारत संविधान से चलता है और इस संविधान में कहीं पे भी अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का जिक्र नहीं है। संविधान में NHRC का जिक्र है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और वो सबके लिए बना हुआ है। तो सवाल यह है कि जब NHRC है अपने पास और वो सबके लिए है, फिर एक अलग से कमीशन की क्या जरूरत है? वकील अश्वनी उपाध्याय ने बकायदा एक वीडियो बनाया और उसमें उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की देश में जरूरत क्या है, क्योंकि संविधान में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
इसी के साथ उन्होंने एक खबर का क्लिप भी ट्वीट किया जिसमें यह लिखा कि देश में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा था कि कोर्ट केंद्र और राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लिए निर्देश जारी करे, क्योंकि कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उन्हें अल्पसंख्यकों की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। याचिकाकर्ता ने इसके साथ ही आरोप लगाया था कि यहूदी, बहाई और हिंदू धर्म के अनुयायी जो लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में वास्तविक अल्पसंख्यक हैं और वो यहाँ अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और संचालन के तक नहीं कर सकते हैं, जो कि गलत है। इन आरोपों पर केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया। केंद्र की ओर से कहा गया कि राज्य सरकारें अपनी सीमा में हिंदू सहित धार्मिक और भाषाई समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं, और जहां तक बात इन राज्यों में उनकी पहचान संबंधित मामलों की है तो राज्य स्तर पर इस पर विचार किया जा सकता है। केंद्र ने इसके लिए महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, जहां पर 2016 में यहूदियों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा मिला था, और कर्नाटक की बात करें तो वहां पर मराठी, गुजराती, हिंदी, तेलुगु, तमिल जैसी भाषाओं को अल्पसंख्यक भाषाओं के रूप में कर्नाटक ने अपने राज्य में दर्जा दिया। केंद्र सरकार की ओर से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने यह जवाब एक हलफनामा दाखिल करके दिया। इसके अलावा केंद्र ने यह भी कहा कि सिर्फ राज्यों को अल्पसंख्यकों के विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह संविधान और सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों के विपरीत होगा। इस मुद्दे पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को 10 मई के लिए टाल दिया गया है और अब अदालत 10 मई को इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगी, तब तस्वीर ज्यादा साफ होगी। लेकिन केंद्र की तरफ से जो जवाब दिया गया उससे कुछ बातें काफी साफ हैं। पहली कि हिंदुओं को उन राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा मिल सकता है जहाँ उनकी संख्या बेहद कम है, और दूसरी ये गेंद अब उन 9 राज्य सरकारों के पाले में है कि वो ऐसा कदम उठाते हैं या नहीं। वो आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी आने दीजिए इस बारे में, इस बात को लेकर, पर सच्चाई ये भी है कि बहुत सारी जगहों पर कोई लोग माइनॉरिटी में हो जाते हैं, कोई कोई राज्य में हिंदूज भी माइनॉरिटी में हैं, तो उनको भी जो भी माइनॉरिटीज के अधिकार होते हैं उनको भी मिलना चाहिए। ये मैं इसमें कोई भी राजनीति नहीं देखूंगी, राजनीतिक रूप से नहीं देखूंगी, मैं वेलफेयर के रूप से देखूंगी। धाकड़ एक्सक्लूसिव में आइए बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में क्या इमरान खान अब प्रधानमंत्री नहीं कहलाएंगे? क्या इमरान खान से पीएम पद की कुर्सी छिनने वाली है? ये सवाल आज इसीलिए है क्योंकि इमरान खान की सरकार के खिलाफ पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश हो चुका है, और इमरान के लिए अब ये मुसीबत है कि उनके सहयोगी दल भी इमरान के खिलाफ और विपक्ष के साथ में खड़े हुए नजर आते हैं। ये पाकिस्तान में संसद के अंदर की तस्वीरें हैं। खास इसलिए है क्योंकि अब इसी संसद में पीएम इमरान खान के भविष्य का फैसला होगा। फैसला होगा कि इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने रहेंगे या उन्हें ये पद छोड़ना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इमरान सरकार के खिलाफ इसी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश हो चुका है। सदन में 161 सांसद प्रस्ताव के समर्थन में और इमरान सरकार के खिलाफ खड़े हुए, और इसी के साथ स्पीकर से इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की मंजूरी मिल गई। इमरान खान न्याजी, जिस पर अब वोटिंग 4 अप्रैल को होगी, तक मुलतवी की जाती है। रेजोल्यूशन अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, दिस हाउस रिजॉल्व दैट इट हैज नो कॉन्फिडेंस इन द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान न्याजी and consequently he shall cease to hold office under clause 4 abed। इमरान सरकार के खिलाफ संसद में इस अविश्वास प्रस्ताव को विपक्षी नेता शाहबाज शरीफ ने पेश किया और ये भी कहा कि इमरान खान नियाजी पर इस संसद को विश्वास नहीं, लेकिन मामला जादुई नंबर के हासिल करने का है, जिस पर इमरान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरा भरोसा है। बातें और दावे अपनी जगह,
लेकिन इमरान की कुर्सी जाएगी या वो पीएम बने रहेंगे, ये समझने के लिए आपको पाकिस्तान की असेंबली का गणित जानना होगा। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में कुल 342 सदस्य हैं। पहले इमरान की पार्टी पीटीआई को सहयोगी पार्टी के सांसदों की संख्या मिलाकर 179 का समर्थन हासिल था, लेकिन 24 सांसदों के बागी होने के बाद इमरान के साथ 155 सांसद रह गए हैं और इमरान खान बहुमत से अब 17 सीट कम है। इमरान के लिए संकट वाली बात यह भी है कि अविश्वास प्रस्ताव पेश होने से पहले ही उन्हें एक तगड़ा झटका अपने सहयोगियों से भी लग चुका है। एक तरफ तो इमरान की अपनी ही पार्टी के 24 सांसद बागी हो चुके हैं, जिन्हें मनाने के लिए इमरान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, तो दूसरी ओर सरकार में सहयोगी पार्टियों MQM, PMLQ और जमहूरी वतन ने भी इमरान को बगावती तेवर दिखाए हैं। जमहूरी वतन के नेता शाहजैन बुख्ती इमरान कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं MQM भी लगातार विपक्षी दलों के साथ बैठकें कर रहा है और पार्टी सूत्रों के मुताबिक सरकार में इमरान की सहयोगी पार्टी MQM फ्लोर टेस्ट से वॉकआउट कर सकती है, जबकि एक और सहयोगी PMLQ तो लगातार इमरान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। वो इमरान पर भरोसे में ना लेने का आरोप लगा चुकी है और इन तीन दलों के सांसदों की संख्या की बात करें तो यह आंकड़ा 13 बैठता है और अकेले यही तीन सहयोगी सरकार गिराने का दम रखते हैं। जिन्होंने आपको मशवरा दिया कि स्टेट बैंक गिरवी रख दो, जिन्होंने आपको मशवरा दिया कि कश्मीर सरेंडर कर दो, जिन्होंने आपको मशवरा दिया कि लोगों पे महंगाई का अजाब तोड़ दो, इन सब मुशीरों को मुर्गा बनाएं, दोबारा नेट प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास कोई और मुतबादल प्रोग्राम हो तो कौम के सामने पेश करें, लेकिन आपके 4 साल की कारकर्दगी के बाद अब आप इस लायक नहीं हैं कि आप मजीद पिच पे खड़े रहें, क्योंकि आप में विनिंग स्कोर की सलाहियत नहीं है। ये याद रखें। लेकिन इस बीच इमरान खान भी सारे दांव पेच चल रहे हैं। इमरान खान ने रविवार को इस्लामाबाद में बड़ा जलसा करके शक्ति प्रदर्शन किया था। लेकिन असल तस्वीर क्या होगी, क्या इमरान ये इम्तिहान पास कर पाएंगे या विपक्ष का दांव इमरान पर भारी पड़ेगा और उन्हें कुर्सी गंवानी पड़ेगी, इसके लिए 4 अप्रैल तक का इंतजार और करना होगा। हालिया वक्त में वैसे पाकिस्तान में एक कहावत इन दिनों जमकर चर्चा में है, न्याजी की कुर्सी कब तक खैर मनाएगी। लेकिन सवाल दरअसल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसी नौबत आई तो आई क्यों। जिस इमरान खान को पाकिस्तान की आवाम ने सर आंखों पर बैठाया, जो इमरान खान पाकिस्तानी फौज का भी चहेता था, आखिर गुर्बत के दिन उनके कैसे आ गए। जरा इस पर भी एक रिपोर्ट देखिए, वो 5 फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी मुसीबत के तौर पर इमरान खान के लिए नजर आते हैं, देखिए एक रिपोर्ट। पाकिस्तान के इतिहास में ये पहली बार तो नहीं है, लेकिन इमरान खान इस तरह से सत्ता में रहकर भी कमजोर पड़ जाएंगे ये उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा। साल 2018 में जिस इमरान ने नया पाकिस्तान का नारा दिया, प्रधानमंत्री बने, वो 4 साल पूरा होते होते सत्ता में रहकर भी इस तरह अकेले कैसे पड़ गए। ये सवाल इसलिए क्योंकि उनके साथ भी वही हो रहा है जो पाकिस्तानी सियासी इतिहास में पहले भी होता रहा है। ये सच है कि पाकिस्तान में बदलाव की बयार वाली बातें सिर्फ नारा तक ही सीमित रह गया। इमरान की आंखों के सामने देश के हालात बिगड़ते गए, लोगों की परेशानी बढ़ती गई, आम लोगों में आक्रोश और नाराजगी दोनों बढ़ी। इन सभी बातों का नतीजा सामने आया, अंत में तहरीके इंसाफ की सरकार के सामने संकट बढ़ गया। इमरान खान किसी का दिल नहीं जीत पाए, ना तो सेना का, ना लोगों का, और आखिर में ना ही अपने सहयोगियों का। उन्होंने सेना का विश्वास खोया, कश्मीर के मसले पर फेल रहे, महंगाई से नाराजगी बढ़ी, बेरोजगारी भी संकट बना, पाकिस्तान पर कर्ज भी बढ़ता चला गया। कश्मीर के मुद्दे को इमरान खान ने कई बार उठाया, भारत को घेरने की कोशिश की, कश्मीरी मुसलमानों को लेकर बयान दिए, बावजूद इसके वो पाकिस्तानी आवाम में अपने लिए जगह नहीं बना पाए।
ऊपर से बाकी दिक्कतों ने इमरान खान की सरकार को ऐसे घेरा जिसे विपक्ष के नेताओं ने आसानी से सियासी हथियार बना लिया। जनता की नाराजगी के कारण भी धीरे धीरे बढ़ते ही चले गए। जो हमारे अंदाजे थे, जो हमारी उम्मीदें थी, उस पर बिल्कुल पूरा नहीं उतर सका आज तक। ये सिर्फ हमारे पर तो उनको 8.5 साल हो गए हैं। 5 साल पहले इसने सूबाई हुकूमत की है KPK में, अब 3.5 साल इसने वफाक पर भी की है, लेकिन सवाए महंगाई और कुछ भी नहीं दे सका ये आवाम को। उसका कसूर तो नहीं है तो महंगाई को वो करे। महंगाई तो सब जगह पर आई। महंगाई उस हुई है कि जब ये अपना सब कुछ बेच कर गए, ये भागे हुए हैं ये लोग। मैं हैरान हूँ कि ये हुकूमत कर क्या आ रहा है। ठीक है, अपोजिशन है अगर गवर्नमेंट है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं और ना मुल्क का सोच रहे हैं ना आवाम का सोच रहे हैं। महंगाई बहुत हद से ज़्यादा बढ़ गई है। सब कुछ महंगा है जी, कीमा महंगा है, गोश्त महंगा है। ये अभी लिए हैं मैंने, टेंडे लिए हैं जी, 80 रुपये किलो मिले हैं जी। आवाम तो बड़ी परेशान है जनाब। हम इमरान खान की हुकूमत से बहुत खुश है, हम सपोर्ट करते हैं। लोगों के काम काज नहीं है, गरीब आदमी क्या करेगा। पाकिस्तान में दूध 117 रुपए लीटर बिक रहा है, डीजल 145 रुपए, पेट्रोल 150 के पार है, LPG 2438 रुपए प्रति सिलेंडर। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। मैं इसलिए आया था कि मैं पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना चाहता था। मैं देखा कि कैसे कायदे आजम के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी कौम दुनिया में उसका वकार गिरता गया। मैंने देखा कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो हुक्मरान थे उनको पता ही नहीं था कि मुल्क बना क्यों है। सत्ता पर संकट बढ़ने के दौरान इमरान खान का ये बयान उनके पक्ष में कम साबित हुआ, क्योंकि जिस देश में महंगाई की ऐसी प्रचंड मार पड़ी हो वहां ऐसे बयान से लोगों का गुस्सा ही बढ़ता है। इसके साथ ही इमरान के लिए दिक्कत और दुविधा दोनों को बढ़ाने का काम पाकिस्तानी सेना ने भी किया।